नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे बात करने के लिए मंगल के द्वारा बनने वाला रोचक योग। दोस्तों, जिस भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यह रोचक योग बनता है तो व्यक्ति के जीवन में क्या फल देता है, यह रोचक योग बनता कैसे है और कभी कभी यह रोचक योग बनने के बाद भी यह व्यक्ति को फल क्यों नहीं देता है, हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं रोचक योग बनता कैसे है। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल 1, 8 और 10 राशि में हो और केंद्र में हो, इस अवस्था में रोचक योग का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि केंद्र हम आपको विदित है कि प्रथम भाव केंद्र त्रिकोण में आता है, चतुर्थ भाव केंद्र में आता है, सप्तम जो होता है केंद्र में होता है और दसम जो होता है केंद्र का भाव होता है। कि 1, 4, 7, 10 में जब मंगल विद्यमान हो और उसमें जो राशियां हो, या तो मेष राशि हो, या तो वृश्चिक राशि हो, या तो मकर राशि हो और उसमें मंगल बैठे हो, केंद्र में बैठे हो, तो रोचक योग का निर्माण होता है। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति जन्म कुंडली में रोचक योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत ही बलशाली होता है, बहुत ही धनवान होता है, बहुत ही अच्छा व्यापार करता है। लेकिन दोस्तों, रोचक योग फल कैसे देता है, हम उसके बारे में बात करूँ। अगर रोचक योग तभी फल करेगा जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल के ऊपर किसी दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो या मंगल नीच का ना हो। उस अवस्था में मंगल जब ये रोचक योग का निर्माण करता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। रोचक योग बनता क्यों है दोस्तों, अगर इसकी बात किया जाए तो जैसा कि हम आपको विदित है, 1 नंबर जो होती है मेष राशि होती है, मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। 8 नंबर जो होती है वो वृश्चिक राशि होती है, उसके स्वामी जो होते हैं वो भी मंगल ही होते हैं। 10 नंबर की बात करो दोस्तों, मकर होते हैं, मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो जब यह भाव केंद्र में आके बैठते हैं, इस केंद्र के साथ में जब मंगल यहाँ पर विद्यमान होते हैं तो रोचक योग का निर्माण होता है। जिस किसी व्यक्ति जन्म कुंडली में रोचक योग का निर्माण होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही साहसी होता है, खिलाड़ी फील्ड में जाता है, किसी सेना के फील्ड में जा सकता है, बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही साहसी होता है। अगर व्यापार के क्षेत्र में भी जाता है तो बहुत अच्छा व्यापार करता है, बहुत अच्छा एक लीडर बन जाता है ऐसा व्यक्ति, जिस किसी व्यक्ति जन्म कुंडली में रोचक योग का निर्माण होता है। लेकिन इसमें यही शर्त है दोस्तों कि जब भी रोचक योग का निर्माण हो तो इस अवस्था में मंगल पर किसी भी दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि ना हो। और इसके बाद जब यह योग निर्माण होता है, अगर इसे शुभ भाव से 1, 4, 7, 10 में जब निर्माण होता है तो व्यक्ति बहुत ही साहसी बना देता है। तो अगर मैं आपको समझाने की बात करूँ तो छोटे से एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि रोचक योग का निर्माण कैसे होता है। आपके सामने अगर ये जन्म कुंडली है, ये दोस्तों होता है, ये भी लग्न भाव होता है या केंद्र भाव होता है, यह केंद्र भाव है या केंद्र भाव है। अगर इन चारों भावों में 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो, या तो 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, इन चारों में से कोई एक ही नंबर लिखा होगा, कहने मतलब मेष, वृष या मकर, मेष, वृश्चिक या मकर में, तीनों में से किसी में एक में अगर मंगल विद्यमान होते हैं, ऐसी अवस्था में रोचक योग का निर्माण होता है। जब रोचक योग बनता है दोस्तों, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही परम बलशाली होता है, व्यापारी अच्छा होता है, कुशल नेतृत्व होता है उसके अंदर। लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि इस पे किसी दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। जब दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाती है तो ऐसी अवस्था में जो रोचक योग का फल होता है वह कम हो जाता है, निम्न हो जाता है। इस अवस्था में ऐसे व्यक्तियों को रोचक योग का फल नहीं मिल पाता है। तो व्यक्ति सोचता है कि मेरी जन्म कुंडली में रोचक योग तो है लेकिन इसका मुझे फल नहीं मिल रहा है। इस न फल न मिलने का वजह यही होता है कि जब मंगल पर किसी दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो जाती है तो मंगल का जो फल हो जाता है, रोचक योग का जो फल होता है वह कम हो जाता है या तो न के बराबर हो जाता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में रोचक योग का निर्माण हो रहा है तो इस स्थिति में आप इसको देख सकते हैं कि क्या कैसे फल देंगे। और दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण और विवेचन कराना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।